नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है और मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं ये एक व्लॉग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आप सभी को हिमाचल की संस्कृति, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की नेचर, यहाँ की विलेज लाइफ, यहाँ की रीति रिवाज और ऐसे हिडन प्लेसेस जो ज़्यादा फेमस नहीं है वो सब भी कुछ बताऊँगा। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो हिमाचल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रही आज की वीडियो की बात, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को आज से 80 से 100 साल पहले के घर किस तरह से होते थे, क्या किस तरह से यहाँ का रिच कल्चर उन घरों के थ्रू हमें देखने को मिलता था, किस तरह से यहाँ की काष्ठ कला होती थी, उन सभी से अवगत करवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। गाइज, मैं आप सभी को इसी घर के बारे में बता रहा था जो आज से कम 100 साल पुराना है और यह एक काष्ठ कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार के मैक्सिमम घर आपको पांगणा, निहरी व करसोग के कुछ इलाकों व सुकेत रियासत यानी सुंदरनगर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। गाइज, आप देख सकते हो कि ये घर कितना बड़ा है और इसमें लकड़ी का कितना सुंदर काम किया गया है। और आज से कम 100 साल पहले ना तो मशीनें होती थी और ना ही कुछ ऐसी टेक्निक्स होती थी कि जिससे जल्दी से इन कामों को किया जा सके। तो आप सोच सकते हो कि उस समय इस घर को बनाने में कितना ज़्यादा समय लगा होगा। और ये हमारी हिमाचली संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि हमारे जो हिमाचल के घर होते थे वो लकड़ी के बनाए हुए होते थे ताकि वो घर गर्म रहे। और आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा रिच कल्चर हुआ करता था हमारे हिमाचल प्रदेश का। अभी मैं आपको इसको अंदर से नहीं दिखा सकता गाइस, क्योंकि ये घर बंद है आजकल। बट मैं आपको, एक और घर है मेरे घर के साथ ही, वो घर आपको दिखा सकता हूँ अंदर से। तो चलिए चलते हैं दूसरे घर की ओर। गाइस, जो दूसरा घर मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ वो है ये घर। ये घर एक स्कूल हुआ करता था किसी टाइम पे। मतलब ये जो स्कूल है ये बिल्कुल मेरे घर के सामने है, ये सामने मेरा घर है और ये स्कूल हुआ करता था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, राजकीय केंद्रीय पाठशाला निहरी करसोग 2। इसी स्कूल से मेरे पिताजी और मैं दोनों पढ़े हैं। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक काष्ठ कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखा सकता हूँ क्योंकि ये खुला है। तो गाइस, हम इसकी दूसरी मंजिल पे आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे रेलिंग कितनी सुंदर लगाई गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे भी लकड़ी ही लगाई गई है और ऊपर भी लकड़ी का ही यूज़ किया गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी सुंदर नक्काशी की गई है और ये पूरी हैंडमेड है गाइस। बिल्कुल इसमें मशीनों का कोई यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि पहले मशीनें होती ही नहीं थी। आप ऊपर देख सकते हो कि कितनी सुंदर कलाकृति, काष्ठ कला की गई है। आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी सुंदर तरीके से कितने छोटे छोटे से गोले भी बनाए गए हैं गाइस उस ज़माने में। तो इस तरह से कुछ हमारे हिमाचल के घर हुआ करते थे। इस तरह से खुले खुले बरामदे हुआ करते थे गाइस। इसको हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में पौड़ा बोलते हैं। पौड़ा इन द सेंस जो बालकनी होती है, बरामदा होता है जिसमें बैठ के लोग आपस में बातचीत करते हैं। और ये घर गाइस बहुत ही सुंदर होते थे क्योंकि आप यहाँ पे कहीं भी बैठकर नज़ारों का लुफ्त ले सकते हैं। गाइस, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये घर हमारे गांव का सबसे बड़ा घर है। आप देख सकते हो कि ये 9 और 6 के आकार में, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर एक बीच में आंगन भी है जिससे पूरा 9-6 का आकार लेता है। और ये घर बहुत बड़ा है गाइस, इसमें कम से कम 50 कमरे होंगे और इसमें 4-5 फैमिलियां रहती हैं गाइस। और ये कुछ सामने का व्यू इस तरह से है गाइस। आप सभी ने इस वीडियो में देखा
कि किस तरह से हमारे हिमाचल में पुराने घर हुआ करते थे, किस तरह से खुले खुले घर हुआ करते थे और किस तरह से काष्ठ कला की जाती थी। उस ज़माने में जब मशीनें भी नहीं होती थी तब भी इतनी सुंदर काष्ठ कला की जाती थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो हिमाचल की संस्कृति थी वो बहुत ही रिच थी, और हम सभी युवा साथियों को ये ज़रूरत है कि हम सभी अपनी हिमाचल की संस्कृति, अपनी हिमाचल ही नहीं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अपनी संस्कृति को बचाएं और अभी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि हमारी संस्कृति इतनी रिच हुआ करती थी, इतनी अच्छी हुआ करती थी। थैंक यू।